नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। मेरा नाम है मुनीश। मेरा नाम विजेंद्र। और मैं हूँ सुनील। और आज जिस वीडियो का हम रिएक्शन करने वाले हैं वो है पृथ्वीराज मूवी का अनाउंसमेंट टीजर। इसमें अक्षय कुमार जी ने पृथ्वीराज का रोल कर रहे हैं और इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी। डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी इससे पहले चाणक्य एक सीरियल आता था, उसको डायरेक्ट कर चुके हैं। उसमें उन्होंने चाणक्य का रोल भी खुद ही किया था। और चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी ने एक फिल्म बनाई थी पिंजर नाम से, वो मूवी थी, उसके अंदर मनोज वाजपेयी और उर्मिला मातोंडकर थे। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे सीरियल शूट किए हैं, लेकिन आज तो हम ये टीज़र देखेंगे। तो शुरू करते हैं इस टीज़र को। यशराज फिल्म्स। यशराज ने बनाया है। हरी हरी हर हर। दिवाली पे आ रही भाई। दिवाली 2020। यही बहुत टाइम है। तो दोस्तों ये था पृथ्वीराज मूवी का इंट्रोडक्शन टीजर। कैसा लगा आप लोगों को भाई? ये फिर से कुछ बाहुबली जैसा निकलने वाला है। बाहुबली से भी अच्छा आने वाला है, क्योंकि अगर पृथ्वीराज की बात करी जाए तो उन्होंने बचपन से यानी छोटी उम्र में उन्होंने राज्य संभाल लिया था। और उसके बाद उन्होंने ये मान लो अजमेर, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, दिल्ली पे उन्होंने राज किया। तो काफी लॉन्ग टाइम तक उन्होंने किया और बहुत अच्छे से किया। हिंदू राजा थे वो। और आपको ये बता दें कि उनकी पृथ्वीराज चौहान का कहा जाता है कि उनकी तलवार उठाई नहीं जा सकती, लोगों के हाथों में ये मोच जो होती है मोच आ जाती थी जब उठाते थे उनकी तलवार। तो इतनी हैवी थी, इतनी हैवी थी और इतनी लंबी थी वो तलवार। और पृथ्वीराज चौहान के बारे में ये कहा जाता है कि उनको उनके दादा जो थे उनको ये आशीर्वाद उन्होंने कहते हैं कि एक बार जा रहे थे कहीं तो वहाँ रास्ते में उन्होंने देवी की पूजा की और देवी मतलब सामने आई और उन्होंने कहा कि वरदान मांगो। तो उन्होंने ये वरदान मांगा था कि मुझे एक पोता दो जो कि 5 पांडवों की ताकत एक में ही हो। तो उन्हें वरदान दिया था माता ने और पृथ्वीराज चौहान उनके घर पैदा हुए थे। तो पृथ्वीराज चौहान में कहा जाता है कि 5 पांडवों की ताकत थी। उनके बहुत अच्छे दोस्त भी थे जो चंद्रप्रदाई चंद्रप्रदाई जो कि बहुत बड़े कवि थे। और अंत में जब उन्होंने अपनी अपना बदला ले रहे थे तो चंद्रप्रदाई ने ही उनकी सहायता की थी। उनकी आंखें निकाल के उन्हें बांध दिया गया था और वहाँ पे कवि का वो चल रहा था, जैसे मुसलमान जो थे मोहम्मद गजनबी वो आया हुआ था। तो एक राजपूत शासक के साथ मिल के उसने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था। तो उसके बाद उनकी आंखें निकाल ली गई थी और उन्हें मतलब छोड़ दिया गया था और कुछ प्रोग्राम कर रहे थे वो, उसके बाद उनको फांसी चढ़ाना था। तो कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने आंखें ना होने पर भी चंद्रप्रदाई की कविता से उन्हें कविता में चंद्रप्रदाई ने बताया कि वो कहाँ बैठा है, कितनी दूर, कितने कोस दूर बैठा है। और पृथ्वीराज चौहान ने आंखें ना होते हुए भी उनके पास अर्जुन जैसा निशाना था उनका, शब्द भेदी बाण का उनके पास वो था, उपयोग किया उन्होंने बाण का और उसको मारा था। तो ये गजनवी को मारा था या राजा को मारा था इतना तो उस टाइम दुश्मन था उनका, वो हमें अभी ब्रीफ में याद नहीं है। तो ये मतलब स्टोरीज हमने सुनी हुई हैं और स्टोरीज ही हैं ये। अब मूवी के अंदर क्या होता है ये देख के ही पता चलेगा। तो मूवी का हमें इंतज़ार रहेगा क्योंकि उनके बारे में इतनी सारी स्टोरीज सुनी हैं, उसको कैसे पिरोते हैं चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी और कैसे लगते हैं अक्षय कुमार जी पृथ्वीराज के रोल में, ये देखना होगा। तो और बाकी मूवी बहुत अच्छी बननी है क्योंकि अभी पूरा टाइम है मूवी बनने के लिए, अभी एक साल है और यशराज का इस पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यशराज की मूवीज का बजट अच्छा ही होता है, उनके पास पैसों की कमी नहीं है बजट के लिए। तो ये था इस टीज़र को लेके हमारा रिएक्शन। आपका क्या रिएक्शन है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताना ना भूलें। और इसके अलावा और साथ के साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें जिससे कि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, इस वीडियो को देखें रिएक्शन वीडियो हमारे। और आपको अगर कुछ और ज़्यादा
पता हो पृथ्वीराज के बारे में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।